झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जैसे जैसे मतदान की तिथि करीब आती जा रही है, प्रत्याशियों का जनसंपर्क अभियान तेज होता जा रहा है। इसी क्रम में राजमहल विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सुनील यादव ने भी अपना जनसंपर्क अभियान तेज करते हुए शुक्रवार को साहिबगंज शहर के विभिन्न वार्डों का भ्रमण कर वहां के मौजूद मतदाताओं से मिले और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील किए। जनसंपर्क अभियान के क्रम में सुनील यादव सबसे पहले भरतिया कॉलोनी पहुंचे, बाद में रसूलपुर दहला, पटनिया टोला, गुल्ली भट्टा, बाटा रोड, गांधी रोड और चौक बाजार समेत कई इलाकों में पहुंचे और वहां के लोगों से जनसंपर्क कर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील किए। उन्होंने मतदाताओं से कहा कि वह उनको आशीर्वाद दें और वह हमेशा नेता नहीं बेटा बनकर उनके लिए कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि वे पिछले दो टर्म से जिला परिषद के उपाध्यक्ष रहे हैं और लोगों की निस्वार्थ सेवा करते रहे हैं। वहीं सुनील यादव ने कहा कि साहिबगंज शहर के लिए खास महल का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। लगातार भाजपा लगातार जेएम सरकार के रहते हुए भी इस मुद्दे को अब तक पूरा नहीं किया गया है, जिससे साहिबगंज शहर वासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा घर घर में पेयजल पहुंचने की सुविधा अब तक मुहैया नहीं हो पाई है। यदि उन्हें चुनाव में जीत मिली तो वे इन समस्याओं के समाधान को लेकर सरकार के समक्ष मजबूती से यहां के लोगों की भावनाओं को रखेंगे और इनका समाधान करवाएंगे। अभी हम ग्रामीण क्षेत्र में 11 पंचायत घूर चुके हैं और शहरी क्षेत्र में लगभग 70% घूर चुके हैं, लगभग 12-13 वार्ड घूर चुके हैं। रिस्पॉन्स तो आप देख सकते हैं, हमारे जन सैलाब आगे पीछे देख सकते हैं कितना रिस्पॉन्स, कितना प्यार हमको मिल रहा है जनता से। ऐसा लग रहा है इस बार जीत तय है? हाँ, जीत तय है। विशेष रूप से किन मुद्दों को मतदाता को समझा रहे हैं कि इस मुद्दे पर आपको मतदान करेगा? विशेष रूप से बहुत सारे मुद्दे हैं, मुद्दे का तो कोई कमी नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में देखिए तो कहीं रोड नहीं है, तो कहीं स्कूल नहीं है, तो कहीं स्वास्थ्य नहीं है, तो कहीं पानी नहीं है। ये सब विभिन्न प्रकार के ग्रामीण क्षेत्र में है। शहर में है जो बहुत सारे रोड टूट गए हैं, अभी तक कीचड़ में लोग घूम रहे हैं, नाली जो है साफ नहीं हो रहा है, बिजली का स्थिति बहुत दयनीय हो रहा है, बहुत सारे चीज़ है। उसके बाद भी है कि यहाँ पर जो है प्रदूषण वाला जो चीज़ है बहुत सारा होते जा रहा है। और ख़ास तौर पर कुछ लोग गछे थे कि खास महल को जब तक ख़त्म नहीं करेंगे तब तक हम वोट मांगने नहीं आएंगे, लेकिन अभी तक खास मतलब जहाँ के तहे हैं, लेकिन हमारे शहरवासी लोग अभी तक वहीं पर झूल रहे हैं, अपना प्रॉपर्टी होकर भी अपना प्रॉपर्टी नहीं मान रहे हैं। हम अगर जीत के जाएंगे तो पूर्ण जोर इस पर विरोध करेंगे, सरकार से मांग करेंगे, जितना संघर्ष हो सके इसमें लड़ाई लड़ेंगे और अपना शहरवासी को कोशिश करके इससे मुक्त कराएंगे। क्षेत्र बहुत बड़ा है और ऐसा नहीं होता है बहुत मतदाता तक आप नहीं पहुंच सके, वैसे मतदाता जी के तक आप नहीं पहुंच पाएंगे, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? ऐसा बात नहीं है, हम सारे मतदाता तक पहुंचेंगे, घर घर पहुंचेंगे, अभी हमारे साथ बहुत समय है।
थोड़ा सा इधर देखिए, आप देख रहे हैं अटल भारत टीवी, खबर आपके हक की।